हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एप्पल की ब्रांड न्यू एक्सेसरी जिसका नाम है एयर टैग। ये एप्पल ने बहुत ही शानदार सी गैजेट बनाई है। तो दोस्तों, आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं ये क्या चीज़ है और ये क्या क्या काम करती है। तो गाइज, जैसे हम इसका बॉक्स ओपन करते हैं, इसमें से गाइज ये कुछ किताबें जिसमें एक हैंडलिंग है, बैटरी के लिए लिखा हुआ है, इसमें फ्रेंड्स कोई इंफॉर्मेशन दी हुई है सेकंड वाले में, और थर्ड वाले में दी हुई है एप्पल की वन ईयर वारंटी की, एक्सेसरी की वन ईयर वारंटी है। तो फ्रेंड्स, आप आगे देख सकते हैं कि हमारे हाथ में बहुत ही सुंदर सी पैकिंग में लिखा हुआ है एयर टैग, और हम इसको ओपन करते हैं। तो गाइज, पैकिंग तो एप्पल ने काफ़ी अच्छी बनाई है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर में इसने लिखा हुआ है कि अपडेट करें अपने आईपैड को या अपने आईओएस डिवाइस को और ब्लूटूथ ऑन करें, और सेकंड नंबर पे है हमारा ब्रांड न्यू एयर टैग, और ये थर्ड नंबर पे है। इसमें लिखा हुआ है कि आपने कैसे इंस्टॉल करना है, कितनी दूरी पे या इसको कितनी पास लेके आना है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए गाइस, इसको कनेक्ट करते हैं और देखते हैं। तो हमने इसको पैकेट से बाहर निकाला है, तो आप देख सकते हैं कि इसकी फ्रंट और बैक को इन्होंने प्लास्टिक के रैपर में रैप किया हुआ है। जो ये फ्रंट साइड है, ये तो काफ़ी शाइनी और स्टील की है, जिसमें एप्पल का लोगो प्रिंट हुआ है और लिखा हुआ है एयर टैग डिज़ाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्नियम, असेंबल्ड इन चाइना, ब्लूटूथ एलई एंड अल्ट्रा वाइड बैंड। और फ्रेंड्स, पीछे मैंने अपना नाम इसको इनग्रेविंग करवाया है मोही लिख के, जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। अपना नाम ये फ्री ऑफ कॉस्ट एनग्रेविंग हुआ है और मुझे ये होम डिलीवर हुआ है। तो मैंने फ्रेंड्स ये 3190 में परचेज़ किया है, जो इंडियन प्राइस है 3190। और अगर फ्रेंड्स आप 4 का पैक परचेज़ करते हैं, तो आपको 10,900 में ये 4 का पैक मिलेगा, जो आपको काफ़ी सस्ता पड़ सकता है। तो हम इसका रैपर निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जब हमने इसका रैपर निकाला, तो ये एक्टिवेट हो गया है और इसने थोड़ी सी एक साउंड सी भी की है। और इसको फ्रेंड्स कनेक्ट करने के लिए हम अपने आईफोन के पास लेके जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे पास है आईफोन जिसके साथ हमने कनेक्ट करना है। तो हम आईफोन के पास एयर टैग को लेके आए, तो इसमें कनेक्ट का ऑप्शन आ गया। हम इसको कोई भी नेम दे सकते हैं। अगर हमने कस्टम नेम देना है अपनी चॉइस का, तो हम ये दे सकते हैं, जैसे हमने मोहित नेम दिया है। और हम कोई इमोजी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे हमने स्माइल वाला इमोजी सिलेक्ट किया है इसके लिए। तो हमें अपनी एप्पल आई डी के साथ इस एयर टैग को रजिस्टर करना पड़ेगा। तो हम करते हैं, तो इसको सेटिंग अप हो रहा है मोहित नाम से एयर टैग। तो फ्रेंड्स, हमारा एयर टैग फ़ोन के साथ कनेक्ट हो चुका है। तो इसमें ये काफ़ी ऑप्शंस आ रहे हैं कि हम इसको फाइंड कर सकते हैं, एयर टैग में हम साउंड भी प्ले कर सकते हैं अगर हमारे नियर बाय है, और नोटिफिकेशन देख सकते हैं अगर हमने कहीं पे भी अपने एयर टैग को छोड़ दिया या हम भूल गए हैं रख के। हमें जस्ट जो ये फाइंड माई ऐप है, इसमें अपने एयर टैग को रखना है आइटम्स। ये मोहित नाम से हमने कनेक्ट किया था, तो हम जैसे साउंड प्ले करते हैं, तो इसमें से एयर टैग में से साउंड प्ले होएगा, आप जैसे सुन सकते हैं। तो ये जो ये ऊपर बैटरी दिखा रहा है नाव के साथ, ये हमारे एयर टैग की बैटरी है कि हमारी अभी फुल चार्ज है एयर टैग की बैटरी। जैसे जैसे कम होगी तो यहाँ पे शो होता रहेगा। और हमने अगर फाइंड करना है, तो हम ये कर सकते हैं कि हाँ, जैसे हमने थोड़ा डिस्टेंस पे लेके जा रहे हैं फ़ोन को, जो ये आ गया है आपके सामने, देख सकते हैं कि 0.1 mm या हेयर आ गया है। तो नियर बाय जब हम जाते हैं, तो हम यहाँ पे साउंड प्ले कर सकते हैं, तो हमारे एयर टैग में से साउंड आएगा। तो अगर बाय चांस फ्रेंड्स, अगर हमारा एयर टैग या हमारी कोई कीज़ में एयर टैग डाला हुआ है, तो वो लॉस्ट हो गया है, कहीं हम भूल गए हैं, तो हम लॉस्ट मोड इनेबल कर सकते हैं, जिसमें हमें नोटिफिकेशन भी मिलेगा जब भी हमारा एयर टैग किसी फ़ोन के साथ या किसी आईफोन के नियर बाय कॉन्टैक्ट में आएगा, तो हमें नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो कोई इसको यूज़ नहीं कर सकता जब तक हमारी एप्पल आईडी इसमें लगी हुई है। और ये हम इस पर लीव अ मैसेज भी कर सकते हैं, जैसे हमने हमारा फ़ोन नंबर एंटर किया है कोई भी XYZ, हम अपना फ़ोन नंबर या हम अपनी मेल आईडी भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि अगर किसी के फ़ोन में
ये एयर टैग शो हुआ तो वो लिखा आएगा कि आप इस नंबर पे कॉल करें या इस मेल आईडी से कॉन्टैक्ट करें। लॉस्ट मोड को जस्ट एक नंबर फिल किया या ईमेल आईडी अपनी फिल की है और यहाँ पे एक्टिवेट दबाना है। हम यहाँ पे नोटिफाई भी कर सकते हैं जब हमारा एयर टैग कहीं फाइंड हो गया गाइस। या एक और ऑप्शन है आपके पास एयर टैग में, आप इसका नेम कभी भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने मोहित रखा था तो हम इसका नेम एप्पल भी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसका नया नेम आ गया है एप्पल। और गाइस जो ये एयर टैग है ये सिर्फ अकेला एयर टैग नहीं काम करता है, इसके साथ आपको अलग से इसका की चेन एक्सेसरी भी परचेज करना पड़ेगा। जो हमने बेल्किन का इसका एयर टैग का की रिंग परचेज किया है तो हम इसको भी ओपन करते हैं। जो ये बेल्किन कंपनी है इसको एप्पल अपनी एक्सेसरी में रिकमेंड करता है बेल्किन। ये हमने फ्रेंड्स आउट ऑफ इंडिया ऑर्डर किया था तो फ्रेंड्स ये हमें $20 कॉस्ट किया था। इसको फ्रेंड्स हमने जस्ट ओपन करना है और ये फ्रेंड्स है इसका की चेन। जस्ट फ्रेंड्स हमने एयर टैग को यहाँ प्लेस करना है और ऊपर इसको की रिंग को अलाइन कर देना है बिल्कुल इसकी प्लेस पे। तो ये पूरा बाउंड हो गया पीछे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये की रिंग में ये बेनिफिट है कि इसकी साइड्स जो हैं एयर टैग की साइड्स हैं ये बिल्कुल सेफ हैं और पीछे हम अपना नेम भी अच्छी तरह देख सकते हैं। और हम ये की रिंग को इसमें डाल देंगे तो ये हमारा एयर टैग बिल्कुल रेडी है। तो फ्रेंड्स ये हमारा एयर टैग बिल्कुल रेडी है। हम इसको की कोई भी कीज़ में डाल सकते हैं, कोई भी बैग के साथ हैंग कर सकते हैं या हम कहीं भी इसको प्लेस कर सकते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि कोई हमें हमारी चीज़ घूम सकती है। मोस्टली हमारी चीज़ क्या है, हमारे एयरपोर्ट्स हैं वो भी घूम सकते हैं, हम इसको एयरपोर्ट्स में भी डाल सकते हैं। और गाड़ी की चाबियां गाइस और जो ये एयर टैग, आपको एक और फीचर बताएं कि ये वाटर रेसिस्टेंट है और ये स्प्लैश प्रूफ है। जैसे गाइस पानी के थोड़े बहुत छींटे पड़ जाएं या हल्की बारिश में ये वर्क करेगा और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। बट गाइस आप ऐसा नहीं है कि इसको पानी में लेके या किसी पानी में डुबो के टेस्ट करें, ये ऐसे ख़राब भी हो सकता है। तो गाइस ये रहा एप्पल का एक कूल सा गैजेट। मुझे तो ये गैजेट बहुत पसंद आया गाइस। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। कृपया लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें।